ओम उमापतये नमः। श्रावण के परम कल्याणकारी मास में जानिए आज के दिन का पंचांग और साथ में परम पिता शिव की महिमा को गाती शिव पुराण की कथा तथा श्रावण मास का महात्म्य। मास श्रावण, पक्ष कृष्ण, तिथि प्रथमा, नक्षत्र धनिष्ठा, ऋतु वर्षा। आज के दिन की कथा। ब्रह्मा जी बोले कि मैं इसके बाद भगवती दुर्गा का स्मरण करने लगा, उनका तप करने लगा। हे देवेश्वरी, मेरा कार्य सफल करिए। मेरे इस प्रकार बार बार प्रार्थना करने से करुणामयी माँ भगवती प्रकट हुई। उनका स्वरूप दिव्य और अद्भुत था। वे चार भुजा वाली थी, वे सिंह पर विराजमान थी, हाथ में वरदान देने के लिए वर कलश था। शरद चंद्रमा के समान जिनकी कांति थी, वैसी तेजोमय आभा से युक्त माँ को मैंने प्रार्थना की कि हे देवी, आप त्रिलोक की रचना और संहार करने वाली है, योगियों के हृदय में विराजमान है, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मेरी विनम्रता पूर्ण प्रार्थना का स्वीकार कर देवी बोली, हे जगतकर्ता, आपने मुझे क्यों बुलाया, आपने क्यों मेरी प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, हे सर्वज्ञ, कैलाश पर शिव जी वैरागी बनकर तप कर रहे हैं, वह कभी भी स्त्री का ग्रहण नहीं करेंगे, अतः जैसे भी हो आप उन्हें किसी भी तरह से मोहित कीजिए। आप दक्ष की पुत्री होकर के उनकी पत्नी बनिए। आपने जैसे विष्णु को लक्ष्मी बन के प्रसन्न किया था, उसी प्रकार आप शिव को भी प्रसन्न कीजिए। आपके सिवा उन्हें मोहित करना किसी के बस की बात नहीं है। हे माते, मेरा यह मनोरथ पूर्ण करें। यह सुनकर देवी चिंता मग्न हो गई। फिर वह बोली, हे ब्रह्म, आपको यह विचार कैसे आया? परम वैरागी और निर्विकल्प शिव को मोहित कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या लाभ होगा? मैं तो सदा ही उनकी सेविका हूं, वह तो माया के स्वामी है। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें वरदान देने के लिए कहा है, इसीलिए हे ब्रह्मा, आपका यह मनोरथ मैं भगवान शिव का ध्यान कर अवश्य पूर्ण करूंगी। ब्रह्मा को वरदान देकर देवी भगवती वहां से अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी नारद से बोले, हे पुत्र, इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक निरंतर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर देवी भगवती प्रकट हुई और सब कुछ जानते हुए देवी ने दक्ष को वर मांगने को कहा। तब दक्ष ने देवी से कहा, हे भगवती, पिता ब्रह्मा की इच्छा से रुद्रदेव की पत्नी बनने के लिए आप अवतरित हो। यह सुन देवी ने कहा, मैं तुम्हारे यहां पुत्री के रूप में जन्म धारण करूंगी और कठिन से कठिन तपस्या कर शिव जी की पत्नी बनूंगी। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हुई। जब दक्ष ने सृष्टि का विकास करने का प्रयास किया, परंतु उससे वह कार्य पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, तब मैंने उसे उपाय बताया कि तुम प्रजापति पंचजन्य से उत्पन्न कन्या पंचजन्या को अपनी पत्नी बनाओ। मेरी आज्ञा से उसने पंचजन्य से उत्पन्न कन्या विरणी के साथ विवाह कर मैथुन्य सृष्टि को आगे बढ़ाया और उनके यहां 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उन पुत्रों को सृष्टि का विकास करने का कार्य सौंपा, पर वह सब तुम्हारे उपदेश से संसार को त्याग कर प्रभु मार्ग पर चले गए। इसके बाद दक्ष के यहां 60 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनका अनेक ऋषियों और देवताओं के साथ विवाह हुआ। दक्ष और वीणी ने साथ मिलकर देवी भगवती का स्मरण किया। देवी भगवती ने वीणी के गर्भ में प्रवेश किया और यथोचित समय पर जन्म धारण किया और उसका नाम रखा गया उमा। आगे ब्रह्मा जी देवी उमा की कथा सुनाते हैं। उस कथा का श्रवण कीजिए कल की महात्म्य कथा में। श्रावण में खास ध्यान रखने जैसी बातें। माना जाता है कि समुद्र मंथन में से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने पी लिया था, अतः वह नीलकंठ कहलाए। जब शिव जी ने इस हलाहल विष का पान किया था, वह श्रावण का ही समय था, अतः देवताओं ने उस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए गंगा जल से अभिषेक का प्रारंभ किया। इस अभिषेक से ही भगवान शिव जी उस हलाहल विष के ताप से राहत महसूस कर पाए। इसी प्रथा के कारण आज भी श्रावण मास में हम शिवजी पर जलधारा से अभिषेक करते हैं। ओम नमः शिवाय।